पचमठा मंदिर परिसर में गौशाला का पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला ने किया लोकार्पण। इस दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता सहित पुजारीगण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला आज रिवर फ्रंट परियोजना अंतर्गत स्थित पचमठा आश्रम रीवा में नवनिर्मित गौशाला का लोकार्पण कर चल रहे निर्माण कार्य प्रगति का निरीक्षण एवं शीघ्र कार्य करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पचमठा धाम के सम्मानीय स्वामी एवं पुजारीगण, वरिष्ठ नेता श्री राजगोपालचारी, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारीगण, संविदाकार तथा गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा गौ माता की पूजा करते हुए गौशाला का उद्घाटन किया गया। पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि पचमठा मंदिर रीवा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ देश के कोने कोने के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस अवसर पर विकास कार्यों की चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक ने बताया कि विक्रमपुल से राजघाट तक रिवर फ्रंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसी रिवर फ्रंट के बीचों बीच पचमठा मंदिर पड़ेगा, जिसका सौंदर्यीकरण का कार्य के साथ में किया जा रहा है। रिवर फ्रंट का काम पूरा होने के बाद पचमठा मंदिर का दृश्य लोगों के लिए एक अलग अनुभव कराएगा। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौशाला एक अच्छी नई बन के तैयार हुई है, और जो लोग यहाँ पे कच्चे और खपड़ैल मकान में रहते थे, उनका पक्का मकान भी बन के तैयार हो गया है। अब पचमठा के विकास का कार्यक्रम शुरू होगा, और रिवर फ्रंट जो बन रहा है विक्रमपुर से लेके और राजघाट तक, उसमें ये एक ऐसा बड़ा एरिया रहेगा जिसमें शासकीय ज़मीन और पचमठा समिति की ज़मीन है, जहाँ पर लोग चारों धाम का दर्शन भी कर सकेंगे। आदि शंकराचार्य जी ने जो मूर्ति स्थापना की थी, शंकर जी का शिवलिंग की जो स्थापना की थी, उसका भी विकास किया जा रहा है। कुल मिला के रिवर फ्रंट तो बहुत ही अच्छा बन ही रहा है, रीवा के लिए गौरव का स्थान लेगा, लेकिन उसके साथ ही पचमठा का विकास भी उसी कड़ी में होगा, जहाँ पर हजारों लोग आके और यहाँ पर नेचर के नज़दीक और धर्म और अध्यात्म के नज़दीक अपने आप को पाएंगे। अभी मिर्ची बाबा ने प्रदेश सरकार की गौशालाओं को लेकर के कई आरोप लगाए थे, जिसको लेकर के अभी व्यापक विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, तो ऐसी स्थिति गौशालाओं के लिए व्यवस्था कैसी, बजट की क्या व्यवस्था रहेगी कि संचालित लगातार चलती रहे, कोई दिक्कत ना आए? इसमें जो बसामन मामा और लक्ष्मण बाग में तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि कुछ राशि हमने जन सहयोग से लेके उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, उसके ब्याज से वहाँ के गौ सेवकों को सैलरी मिलती है, तो वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटी में रहते हैं। करीब 25 कर्मचारी बसामन मामा में और करीब 14 कर्मचारी लक्ष्मण बाग गौशाला में हैं। मुझे लगता है इसी मॉडल को अपनाना चाहिए, जिससे कि गौ सेवकों के पारिश्रमिक की पुख्ता इंतजाम रहे, जिससे कि गौओं को बांधना, उनको भूसा देना, उनको सानी लगाना, उनको उनकी देखभाल करना, इन सब के लिए गौसेवक पर्याप्त मात्रा में गौशालाओं में उपलब्ध रहें।